मोदी सरकार अब पैन कार्ड के संबंध में नया नियम लागू करने जा रही है, जिसमें ट्रांजैक्शंस में पैन कार्ड देने की सीमा घटाई जा सकती है। यानी 30,000 या उससे ज्यादा रुपए निकालने पर आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसे फिलहाल 50,000 या उससे ज्यादा रुपए की निकासी पर दिखाना होता है। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी और पैसे की निकासी पर पाबंदियों के बाद लेस कैश अर्थव्यवस्था से जो गति मिली है, सरकार उसे खोना नहीं चाहती। इस संबंध में सरकार कई और ऐलान भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इसको लेकर एक तय सीमा से ऊपर नकदी देने को लेकर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगा सकती है। इससे सरकार की डिजिटल थीम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बैंकों और एटीएम में निकासी की सीमा बढ़ाए जाने से अर्थव्यवस्था नोटबंदी से पहले जैसी हो जाएगी और लोग बिना किसी परेशानी के पैसों का लेन देन कर सकेंगे। इन कदमों से सरकार कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकेगी, क्योंकि केवल ऐप्स और POS से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट्स की जानकारी ना होना बड़ा कारण है। तो कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक और कदम उठाने जा रही है और कम लेन देन के लिए अब पैन कार्ड जरूरी होगा। हालांकि सरकार इससे पहले यह साफ कर चुकी है कि तमाम खाताधारकों के लिए पैन कार्ड जरूरी है। देखते रहिए डीबी लाइव।